अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई ऐसा प्रोग्राम जो हमें बताए कि भाई हमारे जो डेटा टाइप हम अपने सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं बेसिकली वो कितना साइज रिज़र्व करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी मेमोरी के अंदर, क्योंकि एक इससे एक आइडिया जनरेट होता है। क्योंकि हमने थियोरेटिकल तो पढ़ लिया, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि बेसिकली भाई हमारे पास जो इंटीजर है वो 4 बाइट रिजर्व करता है, करेक्टर हमारे पास 1 बाइट रिजर्व करता है, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा। लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली कैसे मेजर कर सकें, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ये सीखेंगे आज के हम अपने टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में, कि हम कैसे अपने डेटा टाइप्स के साइज़ को मालूम कर सकते हैं कितना बाइट रिजर्व करता है हमारे सिस्टम के अंदर। बिकॉज एज अ प्रोग्रामर ये हमारे लिए जाना लाजमी है, क्योंकि जितनी आप मेमोरी कम अपने यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर, तो आपका प्रोग्राम उतना फास्ट, उतना इफिशेंट और मेमोरी कम यूज़ करने वाला होगा। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करनी है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। बेसिकली हम ये जो आईओ स्ट्रीम हम यूज़ करते हैं यूजर से इनपुट आउटपुट लेने के लिए, लेकिन हमें समटाइम्स हमें इनपुट और आउटपुट, इट मीन्स देखें यहाँ पे मैं आउटपुट भी यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मैं इस प्रोग्राम में इनपुट यूज़ नहीं कर रहा, अपकमिंग वीडियोज में और अपकमिंग प्रोग्राम में मैं अपने ऐसे प्रोग्राम ही बनाऊंगा जिसमें हमने दोनों चीज़ों को यूज़ करूंगा, ठीक है। क्योंकि आउटपुट तो जा रहा है तो लाजमी से जाहिर सी बात है कि हमें उसकी लाइब्रेरी को यूज़ करना होगा। उसके बाद हमें एक स्टैंडर्ड नेम अप्लाई करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, और द मेन थिंग इज डेट कि हम अपना मेन फंक्शन हम अपने यहाँ पे इसको क्रिएट करेंगे। और ये लाजमी है कि एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन लाजमी होता है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, उसके बाद हम क्या करेंगे मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे कमेंट्स किया हुआ है टू डिस्प्ले द करेक्टर डेटा साइज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, सी आउट मैंने एक मैसेज प्रिंट किया साइज ऑफ द करेक्टर, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन है साइज ऑफ क्या, यहाँ पर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है C++ का जो बताता है कि भाई करेक्टर की वैल्यू क्या है, इंटीजर की वैल्यू क्या है, फ्लोट की वैल्यू क्या है, डबल की वैल्यू क्या है। तो मैंने अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या किसको कॉल किया, करेक्टर एक डाटा टाइप है, ये भी एक हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, साइज ऑफ। उसके बाद मैंने एक और मैसेज प्रिंट करवाया बाइट, कि कितने बाइट का है वैसे करेक्टर, उसको हमारे पास प्रिंट करवाए। इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया है, साइज ऑफ इंटीजियर, साइज ऑफ फ्लोट एंड द साइज ऑफ डबल। इसी तरह से हमें अपने मालूम कर सकते हैं बेसिकली कि हमारे जो डेटा टाइप हैं वो कितना साइज रिजर्व करते हैं अपने मेमरीज के अंदर। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम जाएंगे अपने एग्जीक्यूट सेक्शन के अंदर, उसके बाद करेंगे कंपाइल एंड रन, आर आप शॉर्टकट की F11 से भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास जो डिस्प्ले रिजल्ट है वो एज कम्पेयर टू इस तरह से आया जिस तरह से हमने अपने प्रोग्राम में कोडिंग की थी। तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहा है, साइज ऑफ करेक्टर। अब हमें पता है इट मींस C++ के अंदर एक करेक्टर क्या है, 1 बाइट रिजर्व करता है। इट मींस ये हमें प्रैक्टिकली हमें पता चल गया, थ्योरेटिकल तो हमें पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, एक सेटिस्फेक्शन होती है दिल की कि भाई हाँ कि भाई इतना जो साइज है वो उसमें रिजर्व हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, द साइज ऑफ इंटीजियर, इंटीजियर हमारा 4 बाइट रिजर्व करता है हमारा C++ प्रोग्राम के अंदर। लेकिन हमने जहाँ तक मेरे अंदाज़ा है, मैंने अपने जो स्टडी की थी सी लैंग्वेज के अंदर, हमारा इंटीजर 2 बाइट रिजर्व करता है, लेकिन C++ एडवांस है सी से, तो इसी तरह से हमारा क्या हुआ यहाँ पे 4 बाइट रिजर्व करता है। और हम बात करेंगे आगे जो हमारा डेटा टाइप है फ्लोट, साइज ऑफ फ्लोट इज 4 बाइट, और डबल इट मींस ये क्लियर है हमारी कि भाई डबल की जो हमारी जो आप डबल इंटीजर आप यूज़ करते हैं, डबल फ्लोट यूज़ करते हैं, इट मींस इट मस्ट बी अ 8 बाइट। जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर डबल यूज़ करेंगे, डबल इंटीजर डबल फ्लोट यूज़ करेंगे, तो उसकी जो साइज़ होगी वो 8 बाइट होगी। ये आज क्लियर हो गया और प्रोग्रामिंग खुद बता रही है अपने प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करते हुए कि भाई कितने डेटा टाइप आप यूज़ करते हैं और उनका बेसिकली ओरिजिनल साइज़ क्या है जो अपना वो रिजर्व करते हैं मेमोरी के अंदर। गाइज इस प्रोग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कितना साइज़ यूज़ करते हैं डेटा टाइप के अंदर अपने प्रोग्राम बनाते हुए। तो मैं आपको सजेशन दूंगा एज अ प्रोग्रामर कि आपको पता होना चाहिए कि कितना जो डेटा टाइप है वो कितना साइज रिजर्व करता है अपने मेमोरी के अंदर, क्योंकि एक इफ़ेक्टिव प्रोग्रामर के लिए लाजमी जाना लाजमी है। गाइज अगर आप मेरे चैनल पर न्यू कमर्स हैं और फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टास्क के अंदर, जिसमें आप बहुत सारा लर्न कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।